सीजीएल 2023 के जितने भी जंबल के क्वेश्चंस थे उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको टिक किया गया है। वो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर दैट, देखो इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्कड ऑन बिलोज पंपिंग एयर एंड केप्ट द चारकोल बर्निंग, बट आयरन स्मेल्टिंग, सी से तो स्टार्ट ही नहीं होगा तो ये तो गलत है, सी से तो स्टार्ट नहीं होगा तो ये भी गलत, और बी से स्टार्ट होगा द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय द मैन, स्मेल्टिंग के बारे में कहीं बताया गया है तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। स्मेल्टिंग के बारे में बताना चाहिए, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन अ पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स, पहले इसके बारे में बताया कि स्मेल्टर्स दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन विच वॉज वाइडली यूज फॉर मैनुफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज, और डी में क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाई स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, आयरन को रिफाइन करना होता है तब ये बनता है। इन बिहार एंड दिस डी के बाद क्या आना चाहिए, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 9th century, तो डी के बाद सी आना चाहिए ना, फिर ए आना चाहिए, और लास्ट में ए से अगर स्टार्ट होगा इन बिहार सेंट्रल एरिया सेंट्रल इंडिया, तो ए के साथ सी का पेयर आ रहा है, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 9th century, तो ये सेट नहीं करेगा ना तो ये तो गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज वर बिगनिंग टू विदर, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, वॉट वॉट इट, बी से तो स्टार्ट भी नहीं होगा, सी देखो द ट्रीज हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर साइड ऑफ हाउस लास्ट समर, ये लास्ट की बात बोलिए ना, आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन विच वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंट्स क्रैलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री, तो इससे भी नहीं शुरू होगा ना, इससे हो सकता है लास्ट समर से हो सकता, सी से देखो द ट्रीज हैज ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर साइड ऑफ हाउस, अब देखो सी से भी नहीं होगा क्योंकि कह रहा है ना द ट्रीज हैड गॉन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर साइड ऑफ हाउस, सी से भी नहीं होगा, ड्यूरिंग द समर आई नोटिस्ड, ए से भी नहीं होगा, दैट द लिव ऑफ ट्रीज वर बिगिनिंग ऑन विंटर ऑन टू वेदर, डी से होना चाहिए द लास्ट समर आई स्पेंड मेनी डेज इन गार्डन, पहले तो पास्ट की बताओगे ना तो फिर प्रेजेंट में आओगे और तो फिर फ्यूचर की बताओगे, तो पहले पास्ट की बताओगे तो ये हो गया डी। अब एक देखो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एस वन का रिलेशन होता है पी क्यू आर फिर एस और लास्ट में एस टू होता है, यानी इसमें टोटल छः हो गए, चार ये बीच का ये दो छः, देखो कह रहा न्यूज पेपर स्पेशली ऑफ पॉपुलर वेराइटी एम टू डू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन, इंटरटेनमेंट वॉज बी प्राउडली, इसमें कह रहा है कि न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वेराइटी एम टू डू टू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू इंटरटेन, इंटरटेन कर रहा है वो इन्फॉर्म करने को, इंटरटेनमेंट में भी प्रिंसिपली फाउंड इन सेंटर पेज ऑफ द न्यूज़पेपर इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज द प्रिंसिपल एम ऑफ शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन, ये शॉर्ट न्यूज की बात कह रहा है, मोस्ट न्यूज पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट व्हाट मेक श्योर, क्या मेक श्योर करते हैं दैट दे हैव, तो ये तो नहीं होगा ठीक है, पी से स्टार्ट होना चाहिए कि इंटरटेनमेंट में भी यहाँ इंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया ना, मे बी प्रिंसिपली फाउंड इन द सेंटर पेज ऑफ न्यूज़पेपर,
पी से स्टार्ट होगा। लकली कोई और ऑप्शन नहीं है जो पी से स्टार्ट हो रहा है, ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पी क्यू आर और एस। तो जब भी इस तरह का स्टैंडर्ड आ जाए तो एक बार आप बैठा के देख लिया करो कि क्या बैठ रहा है, वही आंसर होगा। 6 नंबर क्या कह रहा है, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल इफ देयर इज सस्टेनेबल इंटरनेशनल एड देन इफ देयर इज नॉट। तो द आउटकम ए से तो होगा ही नहीं शुरू, तो ये बता ही दो अब बी से होगा या डी से होगा। बी से देखो, मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमिक इन वन वे और द अदर नो मैटर वेदर दे रिसीव सस्टेनेबल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। बाई सस्टेनेबल एड, यहाँ सस्टेनेबल एड के बारे में बता रहा है, इसके पहले बात हुई होगी ना सस्टेनेबल एड की, सी से तो होगा भी नहीं, सी से है भी नहीं। डी से देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डेवलपमेंट कंट्री, कौन से डेवलपमेंट कंट्री, इनके बारे में बताया गया कहीं, ये गलत ये गलत, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, इसी से बैठेगा। अगला देखो, दो अ सबटल एनालिसिस वुल्फ रेज सर्टेन कंसर्न रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, दो से तो होगा नहीं, ये कहीं है गलत। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम, इट से है ये भी गलत। इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लिंथ ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, इट इज है डी में, इससे भी नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन बचा, इससे होगा। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस वे वी वॉन्ट देम, वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस वे वी वॉन्ट देम। तो वी से तो होगा ही नहीं, ये दोनों गलत। इवन ड्यूरिंग आवर प्लीग्रमिस, बी से भी नहीं होगा, ठीक है। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड इजी वेज, ये हो सकता है कि हमारा माइंड जो है रिसोर्सफुल इनफ है। डी में कह रहा है इट इज, डी से भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, इट से तो होगा नहीं ना, इट इज बिकॉज, देखो स्टार्टिंग इट से होगी ही नहीं, ये गलत। इट इज़ वेरी, बी से भी नहीं होगी, ये भी गलत। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, कौन से सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, पहले बताए होगे ना, तो ये गलत, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया। अगला देखो, ये 9th नंबर में एक ट्रिक है, ठीक है। 9th नंबर में क्या ट्रिक है, ये देखो, इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी ब्रॉडकास्ट ऑफ हैविंग प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, ये तो ए से नहीं था, ये कंफर्म था। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स, इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फॉर देयर एल्डर्स, ये इंट्रोडक्टरी हो सकता है क्योंकि यहाँ यंगस्टर्स की बात हो रही है कि वो अपने बड़ों की क्या करते हैं, एडवाइस को नहीं सीख करते। एम्फेसाइजिंग अपॉन दैट टाइम्स दैट prevailed the youth very much, emphasizing upon the times that prevailed the youth very much, get their queries answered systematically in the similar context, in से D से तो होता नहीं, अब या तो इससे होगा या C से होगा। emphasizing upon the times that, किस पे emphasize कर रहे हो, upon the times that prevailed the youth very much, it is very likely for the youngster, ये C introductory बता रहा है ना, B ये इंट्रोडक्टरी है। नेक्स्ट, बट द क्वेश्चन ए से नहीं होगा, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल, रस्किन बिलीव्स दैट, रस्किन कोई पर्सन है जो क्या बिलीव करता है, एवरी सिविलाइज सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफ, ये हो सकता है कि सी से हो, persons belonging to these professional, D से भी नहीं होगा, कौन से professional, अब बचा C और B। कह रहे the merchant for instance must supply perfect and pure things to the people, but the question that, यहाँ रस्किन की बात हो रही है, मर्चेंट की बात हो रही है,
इसीलिए बी एक अपीयर नहीं बनेगा, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन। इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिस्ट टू डिजिटलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज अ मेटावर्स। सी से तो होगा नहीं। अच्छा ये वो वाला है, ए और फिर बी सी डी ई, उस तरह का है। इसमें पांच है, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन। कुछ बताओगे ना डिजिटलाइजेशन के बारे में, डिजिटलाइजेशन क्या है? दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट अबाउट द चेंजेज न्यू वर्जन। इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिस्ट टू डिजिटलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स। मेटावर्स इज एन इंट्रोड्यूस इन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट। यह मेटावर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया, तो ई से शुरू होना चाहिए। बी से होगा इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिस्ट टू डिजिटलाइजेशन, नहीं। ए से होगा मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव्ड फुल डिजिटलाइजेशन, इससे होगा। बी से नहीं, तो बी कहाँ है, यहाँ था तो नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज मेटावर्स, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट कह रहे द एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव्स अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट इज अबाउट चेंज इन टू द मेटर न्यू बेटर एंड न्यूअर वर्जन। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी Which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version. हाँ ये हो सकता है, डी से हो सकता है। ए से तो नहीं होगा, मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड है फुल डिजिट, क्या अचीव कर दियो, ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ये तो ये होगा या ये हो। इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब सपोज करो डी से अगर स्टार्ट होगा या ई से देखते हैं। कह रहे हैं द मेटावर्स इज एन इंट्रीगिंग टेक्नोलॉजी दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यूअर वर्जन ऑफ इंटरनेट। न्यूअर वर्जन ऑफ इंटरनेट के बारे में यहाँ बताया ना, न्यूअर वर्जन, तो ई से नहीं होना चाहिए था ना। ई से तो नहीं होना चाहिए, डी से होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू होमर, अचिलीज वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एट फथेलिया with his inseparable companion Patroclus. Achilles was the bravest and handsomest and greatest warrior of the army of Agrimonian in the Trojan War. इस सबसे पहले Achilles के बारे में बताओ ना, कौन था, एक warrior था। According to Homer, Achilles was brought up with his mother, ठीक है वगैरह वगैरह। उसके बाद बताओगे वो क्या था, एक आर्मी वाला था। तो ए बी का फेयर बनेगा, ए बी का फेयर कहीं है, यहाँ है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए। तो ना ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा, लेटर है। सी से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ये गलत। अचिलीज इन ग्रीक मैथोलॉजी सन ऑफ मॉर्टल, ये बताया जा रहा है उसके बारे में, ठीक है ये तो चलो सही है। अकॉर्डिंग टू होमर अचिलीज वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर एट द फथेलिया, ठीक है फथेलिया। अचिलीज इन ग्रीक मैथोलॉजी, ये होता, ये नहीं, ये भी गलत है, ये होगा। अचिलीज के बारे में बताओगे ना ग्रीक मैथोलॉजी में, ये क्या है कि सन है ऑफ मोर्टल पिलस किंग ऑफ एथ। डी से तो दोनों है, अब देखो कौन सा है, तो एक बैठा लेते हैं ना देखते हैं। अचिलीज जो ग्रीक मैथोलॉजी में पुत्र है उसका, अकॉर्डिंग टू होमर अचिलीज दिस, इसमें क्या रहा है, बी में अचिलीज वाज अ ब्रेवेस्ट एंड हैंडसमेस्ट, इसके बारे में तुरंत इमीडिएट बताया गया है, तो ये गलत हो गया ना। अकॉर्डिंग टू होमर ये इसका क्या मतलब है, आप तुरंत नहीं बताओगे ना, पहले बताओगे। ग्रीक मैथोलॉजी में ये कहता है किसी का पुत्र है वगैरह जो किंग था इसका, वो बहुत सुंदर था वगैरह वगैरह, ऐसे बताओगे ना, तो बी के साथ लिंक करेगा। अगला 15 नंबर, आफ्टर एग्जामिनिंग दीज थ्री अप्रोचेस केयरफुली I crossed the bridge and examined the केदारनाथ। तो इसको रोक दो, ठीक है यहाँ देखते हैं क्योंकि वो पीछे। Today the world has become much smaller place thanks to adventurous and miraculous of science।
ये एस वन सेंटेंस हो गया, इसको कैसे लिंक करेगा? वर्ल्ड क्या है? बहुत स्मॉलर प्लेस है थैंक्स टू एडवेंचरस एंड मिरेकुलस ऑफ साइंस। अदर रिलीजियस से स्टार्ट होगा, क्यू से तो होगा ही नहीं, एस से होना चाहिए क्योंकि दो जगह एस है। पी देखो तो वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज सिंगल कंपोरेटिव कोऑपरेटिव ग्रुप। ठीक है, तो पूछ करो पी से स्टार्ट हुआ। अदर रिलीजियन, यहाँ रिलीजियन की बात हो रही हैव बिकम फोर्स विथ विच वी हैव टू रिकॉन एंड वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स विच वी कैन लिव टूगेदर इन प्लेस ऑफ एंड पीस एंड हारमोनी। ये यहाँ रिलीजन की बात हो रहा हैव बिकम फोर्स विद विच वी हैव टू रिकन एंड वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स बाई विच वी कैन लिव टूगेदर इन पीस एंड हारमोनी। इससे नहीं होना चाहिए, एस से होना चाहिए। अब एस दो जगह है। टूडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू एडवेंचरस एंड मिरेकुलस ऑफ साइंस। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। हाँ ये तो ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखो एस के बाद क्या आएगा, आर कह रहा है पहले में, तो दोनों में आ रहा है। माइंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रैंगलिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। थॉट चेंज हो रहा है। अदर रिलीजियस क्यू से नहीं होगा, यहाँ गलत, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया 16 का फोर्थ नंबर। अगला देखो 17 नंबर क्या कह रहा है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज इंगेज इन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर क्या है? इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा था ना। फर्दर मोर अ नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कारगिल के बाद। इन फेबररी इज ड्यूरिंग द विंटर इन इंडिया एंड पाकिस्तान लाहौर डिक्लेरेशन विच वॉज प्रिडिक्टेड ऑन पीस। द इंगेजमेंट वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर इंडियन आर्मी सिंस दे हैव। ये नहीं, डी से भी नहीं होगा, गलत। इन फेबररी ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द लाहौर डिक्लेरेशन विच वॉज प्रिडिक्टेड ऑन पीस। पीस की बात पहले होती है कि पहले शांति की बात होती है, या तो ये होगा या ये होगा, अभी देखते हैं। पीस की बात कह रहा है ना। द इंगेजमेंट वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट। डी से तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ लड़ाई की बात हो रही है, सिर्फ ये ऑप्शन हो गया। 17 नंबर का फोर्थ हो गया। अगला क्या कह रहा है। बट वाइल द कोर्ट एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम इट क्रिएटेड अनदर एंड बिकॉज ऑफ क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। तो ये ए से नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रिसेंट, ये भी नहीं होगा, इन रिसेंट ईयर्स। हाँ ये होगा, सी से होना चाहिए, इन रिसेंट ईयर्स दो में है। अब देखते हैं सी के बाद डी कह रहा है। इन रिसेंट ईयर्स वाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन इन्वायरमेंटल इशूज दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, या इंडस्ट्री की बात हो रही, कौन सी इंडस्ट्रीज, इसमें सी में तो नहीं बताया, तो ये गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो गया। इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज दिस, ये से नहीं होगा, है भी नहीं ये। विद इन द स्पैन ऑफ वन ईयर दिस, बी से भी नहीं होगा, डी है और सी है। Owing to his attractive appearance, किसका attractive appearance? D से भी नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, वो हो गया B। तो इसका क्या आंसर हो गया, B हो गया। 20 नंबर का एक बार बैठा लो, लेकिन D दो जगह आया है, कन्फ्यूजिंग है कि D हो भी सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। Owing his own what? Owing his कह रहा है ना, owing his to his attractive, owing to his attractive appearance and disposition, good manners and well developed sense of humor, and Pongong soon become the darling of the Jew. And Pongong एक नाम है ना, it could possibly this ना A से होगा ना B से होगा। every आफ्टरनून ही ना सी से होगा, ना ए से होगा, ना बी से होगा, ना सी से होगा।
सिर्फ दो से हो सकता है, या तो इससे होगा या इससे होगा। डी ए का पेयर बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज। किस चीज़ में इंजरीज हो रही है भाई, इंजरीज के बारे में बताना होगा ना, तो ये गलत है। 21 नंबर देखो, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू, ए से तो होगा ही नहीं। कह रहा है द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू दिस द लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच दिस लीड्स। सी से भी नहीं होगा, कौन सी लीड्स। बी क्या कह रहा है, द एसेंस ऑफ सस्पेंस, कैसा सस्पेंस, इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गेज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल अस हू। बी से भी नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, डी। एलिमिनेट करके सब सॉल्व कर रहे हैं हम, इस पूरे सेशन को एलिमिनेशन बेस्ड बनाया गया है। ज्योग्राफी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट टेम्परामेंट हाईलाइटिंग बोथ, मेनी कंपनी यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिंग। बी से नहीं होगा। ए से देखो, ज्योग्राफी ग्राफोलॉजी है ना, ज्योग्राफी नहीं है, ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट कैंडिडेट टेम्परामेंट हाईलाइटिंग बोथ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मॉडर्न ग्राफिलॉजी बिगेन अर्ली इन दिस व्हेन द फ्रेंच चर्च मैन दिस क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफोलॉजी दिस। डी से होना चाहिए, क्यों डी से होना चाहिए ना, पहले मॉडर्न वाला बताएगा ना, मॉडर्न ग्राफोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 19वीं सदी से। ये हो गया मेंडल, मेंडल मेंडल का था ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस केम टू बी वाइडली नोन एंड वर अनक्रिटिकली अज्यूम टू अप्लाई ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटरी गिगर्स ऑन मेंडल दिस एंड रिकॉग्निज दिस। सी से स्टार्ट होगा, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कह रहा है स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटरी ऑफ गिगर्स ऑन मेंडल इन दिस ईयर एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट शिफ्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन ऑन्टोजेनेटिक ओरिजिन दिस इंटरेस्ट वॉज सेंटर्ड। डी से तो बिल्कुल नहीं होगा। एक था कि ए से हो सकता है, ए से हो सकता है विथ चार्ल्स डार्विन, यहाँ चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है। पोलराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन मैन बिकम इंटरेस्टेड इन हिज बायोलॉजिकल ओरिजिन्स एंड एफ्लिक्शन। अच्छा, बायोलॉजिकल ओरिजिन्स के बारे में कहीं और बता दे, यहाँ ओरिजिन्स के बारे में बता, बायोलॉजिकल ओरिजिन्स क्यों। यहाँ दो पर्सन है, तो पहले एक नाम आएगा ना विथ चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के साथ पॉपुलराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन मैन बिकम इंटरेस्टेड इन हिज बायोलॉजिकल ओरिजिन्स एंड अफर्मेशन। उसके बाद ना आया थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो बी से स्टार्ट होगा ये, सी से नहीं होगा। कैसे, स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटरी ऑफ गिगर्स ऑन मेंडल दिस ईयर रिकॉग्नाइज इज सिग्निफिकेंट दिस। फिर डी कह रहा है, सी का रिलेशन, दिस इंटरेस्ट वॉज सेंटर ऑन मैन साइकोलॉजिक फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स। उसके बाद कह रहा है बी विद चार्ल्स डार्विन पोलराइजेशन। तो रुको, इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा देखता हूँ। इसका था कि ए से बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मेंडल की बात हो रही है ना। मेंडल सिंपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस केम टू वाइडली नोन एंड वर क्रिटिकली अज्यूम टू अप्लाई ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अनक्रिटिकल था ना तो ऐसे कैसे अप्लाई होता, विथ चार्ल्स डार्विन पॉपुलराइजेशन। बी से स्टार्ट होगा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया, सी से भी नहीं होगा।
Symptoms like nervousness, increased heart rate and feeling weak are some the starting signs of anxiety. हाँ, ये anxiety के बारे में बता रहा है ना, introductory यही होगा और कोई नहीं है, introductory A से होगा, दो किसी में नहीं. Anxiety is sad reality of today time that has plagued. D का पेयर ये के साथ बन सकता है, पहले बताओगे sad part है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, तो D का पेयर A के साथ बनेगा. अगला देखो, ये क्या कह रहा है. अच्छा, 25 नंबर में D दो चीज है, एक C भी है, डी सी या डी ए है. C एक बार चेक कर लेते हैं. मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे हैव एग्जाइटी और टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट एम्पलीफाइज एंड गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उनको एंग्जाइटी एंड और टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट एम्पलीफाइज एंड गेट्स आउट ऑफ माइंड. एंग्जाइटी इज सैड रियलिटी ऑफ हो गया, बहुत लोग नहीं जानते हैं. ऐसे ही बताओगे ना कि बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में. सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस वगैरह ये इसके सिम्टम्स हैं. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार इंट्रोडक्टरी आप ये देख के लगाओगे ना, लेकिन करेक्ट आंसर ये है कि पहले बताओगे कि आजकल एंग्जाइटी बहुत लोगों के अंदर आ गई है. डी में बता रहा है, टुडे टाइम में. इसमें क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते कि उनको एंग्जाइटी है. जब ये क्या करते हैं, एम्पलीफाई करता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो पता चलता है. इसमें क्या होता है, इसमें ये सब समस्याएं होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, फीलिंग वीक, नर्वसनेस, ये तरह के सिम्टम्स होते हैं. वेयर इज एनजाइटी अटैक्स, ऐसे है ना. अच्छा, एंडिंग भी देखो, इसमें कमाल की चीज़ है कि एंडिंग में वी से हो रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ए से बिल्कुल ही नहीं होगा, है भी नहीं. द यूनिकनेस ऑफ बी सी है. द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन लाइज इन इट्स यूनिटी. कौन सा नेशन, कोई नेशन होगा ना, तो बी से भी नहीं होगा. इंडिया, इंडिया के बारे में बात हो रही है. इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री विथ मेनी रिलीजियस, मेनी मेनी कल्चर्स एंड मेनी लैंग्वेजेस हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल हैंड फील्ड्स. सभी फील्ड्स में सक्सेस अचीव कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं. द यूनिक ऑफ दिस नेशन लाइज इन यूनिटी. सी के पेयर बी के साथ. अगला, द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट हु जनरली इंजॉय द प्रेस्टीज एंड रिप्यूटेशन ऑफ बीइंग द रियल ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स. द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट. ओवर द ईयर्स आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश थ्री टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन अफ्रीका सोसाइटी. अफ्रीकन सोसाइटी में मैंने बहुत, बी से होना चाहिए ना. अब ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा है अफ्रीकन सोसाइटी में तीन टाइप के प्रैक्टिशनर्स हैं. कौन कौन, फर्स्ट क्या है, हर्बलिस्ट है. सेकंड क्या है, ये है. और थर्ड क्या है, ये है. ओवर द ईयर्स, तो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा. ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा. डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा. बी ए डी सी. अगला क्या कह रहा है, देयर आर इतना मिलियन आधार कार्ड्स गिवन टू होल पॉपुलेशन एज ऑफ फरवरी 2019. अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना मेक सर्विसेज लाइक बैंकिंग, रिमिटेंस एंड इंश्योरेंस एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन एंड दिस अंडर द एक्रोनिम. यहाँ आधार कार्ड की बात हो रही है, यहाँ जनधन योजना की बात हो रही है. बेनिफिशरीज में ओपन एन अकाउंट विद नो बैलेंस. ये तीनों तो साथ में आएगा, बी सी डी. तो बी सी डी ना इसमें है, बी सी डी इसमें है, बी सी डी इसमें भी है और बी सी डी इसमें भी है. कह रहे दे रहा है इतना मिला आधार कार्ड गिवन टू होल पॉपुलेशन एज ऑफ फरवरी 2019. अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड प्रधानमंत्री पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना मेक सर्विसेज लाइक बैंकिंग वगैरह अंडर द एक्रोनिम जैम जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन. इंडिया इज वन ऑफ
on the verge of social revolution. तो देखो कह रहा है under the acronym JAM. अब ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो ऑप्शन सोच रहे होगे ना वो ऑप्शन है ही नहीं इसमें. इस क्वेश्चन में हम लोग पेयरिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? पेयरिंग बना के. आधार की बात यहाँ हुई है ना, और कहाँ आधार की बात हुई है? यहाँ हुई है. इसमें हुई है कहीं? कहीं नहीं हुई है. इसमें हुई है कहीं? कहीं नहीं हुई है. ए का पेयर किसके साथ बनेगा? सी के साथ बनेगा. ए का पेयर सी के साथ बनेगा या सी का पेयर ए के साथ बनेगा? किसी एक के साथ बनेगा. ना इसमें बन रहा है, ना इसमें बन रहा है, ना इसमें बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है. फटाक से आंसर अब बैठा लो. पहले बताओगे द एक्रोनिम जेम का मतलब क्या है? जनधन योजना, जिसमें आधार बायोमेट्रिक. उसके बाद बताओगे इतना मिलियन आधार है 2019 तक. उसके बाद फिर आगे की चीजें रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो, ही यूज टू कमिट. ही से तो होगा ही नहीं. कौन है? पर्सन है, नाम बताओ. ही अगेन, ही अगेन, ही अगेन, सब में ही है. ही होप टू गेट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ. ही फाउंड दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंडन. कहीं तो नाम ले. ही यूज टू कमिट ऑन थेफ्ट. ही चूज द हाउस ऑफ सूटओवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट बर गैलरी. ही स्टडीड द डिजाइन ऑफ हाउस केयरफुली फॉर अ फोर्टनाइट. ही फाउंड दैट फैमिली हैड गोन टू द लंडन एंड सर्वेंट टू द मूवी. ही ब्रोक. अच्छा, कोई चोर है, कोई चोर है. वो क्या किया? पहले हाउस के डिजाइन को स्टडी किया होगा. उसके बाद जब पाया होगा कि भाई एक दिन घर के लोग सभी बाहर गए थे लंदन, चोर भी बाहर मूवी देखने चला गया, तो वो क्या हुआ? दोपहर में घुस गया. उसने इतना रुपए का सेफ से निकाला. द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर. ही यूज टू कमिट वन थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज. ही स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर. पहले तो वो पिछले साल, वो हर साल एक एक चोरी करता था. तो ए से शुरू होगा. वो हर साल क्या करता था? एक एक चोरी करता था. एक बार वो क्या किया, एक घर को कई दिनों से वो उसके डिजाइन को समझ रहा था. उसके बाद पाया कि चोर बाहर, घर के लोग बाहर गए, चोर मूवी देखने गया, तो फिर वो घुस के घर में 1500 पाउंड्स का पैसा चुराया, सिर्फ ज्वेलरी निकाल लिया सेफ से. सेट है. देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. इसमें कोई पर्सन नहीं है. कहीं ही करके कोई पर्सन नहीं दिया है. Swans has wreaked havoc on crops and caused famines and mass migration. Since prehistoric times, locusts have caused plague. Traditional method of control relay. यहाँ plague की बात हो रही है. Change in agriculture practices. दिस यहाँ agriculture की बात हो रही है. तो यहाँ swan है, यहाँ स्वान है. इसको दूसरे से दिखा दे रहे हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल रिले ऑन दिस पेस्टिसाइड. अच्छा, ये प्लेग के साथ है. तो बी सी का पेयर बनेगा और ए डी का पेयर बनेगा. बी सी है, बी सी है, बी सी है, ए डी नहीं है. बी सी है, ए डी इसमें भी नहीं है. एक बार और ध्यान से देखो. Swan has wreaked havoc on crops, caused famines and mass migration. Kerala, the change in agriculture practices and improved over observation of areas where swan tends to form have lately. BC का पेयर बनना है ना AD का, लेकिन एक बार ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है? स्टार्टर क्या होगा? Since prehistoric times, locusts have caused plague. प्लेग के बारे में बता रहा है ना कि इसके वजह से प्लेग हो रहा था since prehistoric time. तो
पास्ट के बारे में बता रहा है ना, पहले भी इस चीज से हो रहा था। स्वान क्यों है? फेमिनिन माइग्रेशन। तो देखो बी से तो स्टार्टिंग होगी, एक की हो गया, की हो गया, बी का पेयर डी के साथ है, यहाँ बी का पेयर ए के साथ है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज वेयर स्वान टेंड्स टू फॉर्म हैव लेटली अलाउड कंट्रोल मेजर टू इम्प्लीमेंटेड एंड अर्लीस्ट स्टेज। तो डी का तो मतलब ही नहीं बनता। स्वान्स हैव वीकेंड हैवॉक ऑन क्रॉप्स एंड कास्ट फैमिलीज एंड मास माइग्रेशन, ये काज हो सकता है। ट्रेडिशनल मेथड टू कंट्रोल रिले ऑन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन और एयर। ऑल्दो बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोचेज आर ऑल्सो मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। तो जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है, इसका वैसे फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। इन दोनों से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं, वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब ये है इसका पेयरिंग, लेकिन ये पूरा सेंटेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए आप इसको विजुलाइजेशन से करिए। ड्यू टू टाइट डेडलीनेस ऑफ फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज्ड फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू इंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ इन टूडे फास्ट मूविंग वर्ल्ड, मेनी यंग प्रोफेशनल्स आर इनवर्मिलेबल ऑफ। ये सही स्टेटमेंट है कि आजकल क्या है, फास्ट मूविंग जमाने में सभी लोग स्ट्रेस से फील करें, स्ट्रेस कुड, यहाँ स्ट्रेस के बारे में बता रहा होगा, स्ट्रेस कुड इम्यूट्स ऑफ आउट ऑफ वेरियस सिचुएशन सच लाइक दिस दिस दिस। सी का पेयर एक बी के साथ बनेगा, सी बी का पेयर यहाँ है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इट्स सुपरसेडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी विच वॉज क्रिएटेड इन दिस एंड इट प्रोवोक्स, एंड सी से तो भी नहीं होगा, है भी नहीं सी, या तो डी है या बी है या ए है या बी है। इट सुपरसेडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी विच वॉज क्रिएटेड दिस, द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑन दिस ईयर 29 जुलाई 2020 को। बी कह रहा है, बी का पेयर ए के साथ होगा ना, इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटजी विच वॉज क्रिएटेड दिस ईयर। नेक्स्ट, अनदर बॉय, ए से होगा ही नहीं, एन ओल्ड मैन won a beautiful clock, the old man did not want the clock, so the shopkeeper took it back and paid 15 rupees to the old man. वो नहीं चाहता था, वो शॉपकीपर को लौटा, वो 15 रुपये उसको बदले में मिले, उसके बाद ब्यूटिफुल क्लॉक थी, घड़ी थी। भैया encouraged him, but Rashid was not lucky. कौन भैया? C से तो होगा ही नहीं। He sold, D से भी नहीं, वही sold all items to the shopkeeper and went, ये गलत। अब B से तो है, उसके बाद another boy tried his luck and won comb, a fountain pen and this this this, तो B का ये के साथ pair है कहीं, गलत। C के साथ, अब देखो clock बेचा होगा, भैया encouraged him, but Rashid was not lucky, when he tried his luck, he won only cheap items like pencil this this, he sold all items to the shopkeeper and went away happily. Rashid was wanted to play and try his luck. Rashid ek yahan hai aur ek yahan hai Rashid, to cd ka to pair banega, cd ka pair kahan hai, yahan hai aur yahan bhi hai. ab b ke baad d aayega, he sold all items to the shopkeeper, वो तो चला गया ना, इट एंड इतना रुपए मिले उसको, सो द शॉपकीपर टुक इट बैक एंड पेड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन। उसके बाद ही सोल्ड आर आइटम टू द शॉपकीपर, कौन? राशिद सोल्ड किया होगा ना, क्योंकि उसको
चीप सामान मिले थे तो वो सोल्व कर दिया। क्योंकि यहाँ राशिद का जिक्र हो रहा है ना, तो सी डी का पेयर बनना चाहिए ना। पहले क्या आएगा, सी आएगा फिर डी आएगा, क्योंकि उसको पहले चीप सामान मिले थे, फिर वो सब सामान बेच दिया शॉपकीपर को। अगला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं, ये भी गलत है, ये करेक्ट आंसर है। अनदर बॉय ट्राइड हिज लक एंड वॉन अ कम अ फाउंटेन पेन विस्ट वॉच एंड टेबल लैम्प वन अनदर इन मेनी चांसेस दैट ही प्लेड। एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटिफुल क्लॉक, द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक सो शॉपकीपर टुक इट बैक एंड पेड 15 रुपीज टू द ओल्ड मैन। अनदर बॉय ट्राइड हिज लक, हाँ ये ठीक, उसको भी कुछ मिला, ठीक है, तो ये ठीक है, बी का पेयर ए के साथ बनना। द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वॉज नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी स्टेटेड। कौन है सी, किसके लिए, ए से बिल्कुल ही नहीं होगा, सी भी है। द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वाज आई मेड श्योर आई हैड जनरेटर वगैरह, सी से भी नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया 45 का थर्ड ऑप्शन कि निकोला क्या है। द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग एंड कन्फर्म्ड हर कैपेसिटी टू हर कैपेसिटी। द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वाज द नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी सेट। ये रेडी नाउ कोई पर्सन है, आई मेड श्योर वेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म, डी से तो बिल्कुल नहीं होगा। द मोस्ट इसेंशियल थिंग आई हैव लर्न ये है, उसके बाद डी क्या कह रहा है, वेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म, या स्नो स्टॉर्म की बात हुई है कहीं, इमरजेंसी कब लगता है, कह रहा है ना बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। वेन आई हर्ड अबाउट स्नो स्टॉर्म I emailed all my caregivers to see who lived nearby and would accessible. हाँ यहाँ इमरजेंसी की बात हो रही है, सोम विस्टम, ये ए डी का पेयर बनेगा, तो ए डी का पेयर कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। We recognize some aspect of SF, therefore it is, therefore fine. फाइनली ये सब लास्ट में आता है, ये होना चाहिए। अब देखो एक बार और, इट इज हाई सीव्ड इन टू रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कह रहा है वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट ऑफ एन एसएफ नैरेटेड विद अ रियलिटी ऑफ हिज दिस वर्ल्ड एंड सम एलिमेंट आर देयरफॉर इट इज साइंस फिक्शन इज जनरी विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ The use of scientific premises often in fantastical, ये ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लग रहा है कि साइंस फिक्शन क्या है, जाने के लिए मैनिफेस्ट करता है। इट इज हाईली सीव्ड इन टू रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, देयर फॉर इट इज नहीं, वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट ऑफ साइंस फिक्शन एस एफ, तो ये सी ए का पेयर बनेगा, सी ए कहाँ है, कहीं नहीं। बी से कह रहा है देयर फॉर, बी से तो होगा ही नहीं, सी है, ए है और डी है। वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट ऑफ एसएफ नैरेटिव दिस 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 एलिमेंट्स एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम द रियलिटी सो एज टू टेक अस टू एन अनरियल वर्ल्ड। पहले सी आना चाहिए ना, सी का पेयर या तो ए के साथ बने या एक कहीं और बने, क्योंकि सी इंट्रोडक्टरी लग रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये होना चाहिए और ये है भी, सिंस साइंस फिक्शन है, इट इज हाईली डिपेंडेड अपॉन दिस और देयर फॉर इट इज ऑफन सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव इस्ट्रेंजमेंट। ये स्टार्टिंग हो गया, तो स्टार्टर से मिल गया कि सी एक ही ऑप्शन है। तो ओलंपिक गेम्स, पहले ओलंपिक शुरुआत कब हुई थी, एथेंस हुई थी ना 1904 1970, द गेम्स
ऑफिशियली लिमिटेड टू कंपटीटर्स विद एमेच्योर ओलंपिक गेम्स एंड इज एन एथलेटिक फेस्टिवल दैट ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। हाँ, ये ओलंपिक के बारे में बता रहा है, बी से स्टार्ट हुआ, कहाँ है बी, किसमें है, किसमें। अब देखो ये दोनों हट गया, ओलंपिक गेम्स थे जहाँ फेस्टिवल है, जहाँ ग्रीस से स्टार्ट हुआ था बिफोर 1970, बी के बाद सी आएगा। बिफोर 1970 ये होता था, अब 1980 में ये होता, तो क्या हो गया, 49 का कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। चलो 50 सवाल तक ही रहने देते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन हैं, 52 है, फिर 57 है, फिर 62 है, फिर 66 है, हैवी क्वेश्चंस रहने देते हैं 85 तक, फिर अगले सेशन में आगे क्वेश्चंस को करेंगे।